रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस में हमें अक्सर इस तरह का सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ कहते हैं मुझे बुरा लगता। जैसे अगर तुम पार्टी में नहीं आते तो मुझे बुरा लगता, अगर तुम हमें धोखा देते तो हमें बुरा लगता, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो हमें बुरा लगता, या अगर तुम बीमार पड़ जाते तो मुझे बुरा लगता। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस है जहां कहते हैं अगर कुछ हो जाए या ना हो तो मुझे बुरा लगता या किसी को बुरा लगता को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी आप कहेंगे आई हेट फॉर यू टू, उसके बाद आप बोलेंगे वो चीज जो आप कहना चाहें। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर तुम पार्टी मिस कर देते तो मुझे बुरा लगता, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हेट फॉर यू टू मिस द पार्टी। यानी अगर तुम पार्टी में नहीं आते या उसको मिस कर देते तो हमें बुरा लगता, अगर तुम मुझे छोड़ देते तो मुझे बुरा लगता, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हेट फॉर यू टू लीव मी। यानी अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मुझे बुरा लगता, अगर तुम हमें धोखा देते तो हमें बुरा लगता, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी हेट फॉर यू टू चीट अस। यानी अगर तुम हम लोगों को धोखा देते तो हम लोगों को बुरा लगता, अगर तुम उससे झूठ बोलते तो उसे बुरा लगता, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी हेट्स फॉर यू टू टेल अ लाई। यानी अगर तुम उससे झूठ बोलते तो उसे बुरा लगता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं मुझे बुरा लगता या उसे बुरा लगता या हमें बुरा लगता को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे।